नमस्कार दोस्तों, वक्त दिखाई नहीं देता है पर बहुत कुछ दिखा देता है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है लेकिन अपना कौन है ये केवल वक्त बताता है। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं आपके राशिफल के बारे में। आज आपका 27 मार्च दिन सोमवार कैसा रहने वाला है, आपको आने वाले समय में किन चीजों से सावधान रहना होगा, और आपको बता दें आने वाले समय में वो कौन कौन सी खुशखबरियां मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आज आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और इसके साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आज का संपूर्ण राशिफल बताने वाले हैं। यदि दोस्तों आप भी अपनी राशि जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, आज सोमवार है, महादेव महाराज का दिन है। दोस्तों कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आज के पंचांग के बारे में। आज का पंचांग है 27 मार्च 2023 दिन सोमवार। आज की तिथि है सृष्टि। आज का नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। दोस्तों, आज सूर्यदेव उदय होंगे सुबह 6:17 पर। सूर्यदेव अस्त होंगे शाम 6:36 पर। दोस्तों, आज का शुभ समय है सुबह 8:45 से सुबह 11:34 तक रहेगा। यदि दोस्तों कोई भी शुभ काम करना हो इसी समय करें, ये आपके लिए काफी शुभ रहेगा। इसके साथ ही साथ आज का अशुभ समय है दोपहर 12:51 से दोपहर 1:40 पर। दोस्तों, आज आपका लकी नंबर है 2 और लकी कलर है नारंगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आज के राशिफल के बारे में, कैसा व्यतीत होगा आपका दिन, आइए जानते हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए कुछ खास सकारात्मक स्थितियां बन रही है, इसलिए जैसा समय आपका व्यतीत हो रहा है उसी में आप अपनी प्रशंसा ढूंढें तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। अपने कार्य को नियमित समय पर करने के लिए दोस्तों आप लोगों को संकल्प लेना बहुत ही आवश्यक है। किसी दोस्तों संबंधी या फिर मित्र के साथ में चल रही गलतफहमियां भी दूर होंगी तथा संबंध पुनः मधुर हो जाएंगे। किसी मनोरंजक स्थल पर भी जाने का प्रोग्राम बन सकता है। दिखावे के चक्कर में ज्यादा खर्चा ना करें या फिर दोस्तों कर्ज लेने जैसी गलतियां भी आप लोग ना करें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अपनी योग्यताओं और मेहनत पर विश्वास रखने की आवश्यकता है। अचानक ही दोस्तों किसी नजदीकी मित्र या संबंधी से मुलाकात होने पर तनाव भरे माहौल से सुकून भरा राहत मिल सकता है और आप अपनी थकान भूल जा सकते हैं। कुछ नकारात्मक स्थितियां भी हैं दोस्तों। ध्यान रखें कि गुस्सा और जल्दबाजी की वजह से आप अपना बनाया हुआ काम बिगाड़ सकते हैं, इसलिए आपको चाहिए कि आप धैर्य के साथ ही कार्य करें व आगे बढ़ने की भी क्षमता रख लीजिए। दोस्तों, किसी काम के अटकने की वजह से आज आपका दोस्तों शाम का कीमती वक्त खराब हो सकता है। दोस्तों, शादी के बाद वैवाहिक जीवन में प्यार सुनने में मशकूर जरूर लगता है, लेकिन दोस्तों आप आज महसूस करेंगे कि यह बात मुमकिन है। दोस्तों, छुट्टी जाया हो गई इस पर सोचने की बजाय बाकी बचे हुए दिन को आप किस प्रकार बेहतर बना सकते हैं इस पर विचार करने की आवश्यकता है। साथ ही आपको बताएं, यदि आप कार्यस्थल की मुश्किलों से परेशान होकर स्वयं रोजगार के बारे में सोच रहे हैं तो दोस्तों अब समय आ गया है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। खुशी के लिए अपने पल में अहंकार का त्याग करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सफलता आपका साथ देगी। जीवन में दोस्तों प्यास के बाद ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। आज आप जो चाहते हैं वह आपको मिलेगा, जिससे कि आपके लोकप्रियता भी बढ़ेगी। दूसरों के विचारों और पापों को अच्छे से सुने, क्योंकि दोस्तों बातचीत अच्छे व्यवसाय की पूंजी होती है। याद रखें कि यह सितारे हमारे भाग्य को तय नहीं करते हैं बल्कि इसे हम स्वयं तय करते हैं।
दोस्तों, नए रिश्ते की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में आप अपने रूप, सूरत और व्यक्तित्व का खास ख्याल रखें। दोस्तों, कोई रिश्ता आपको खुशी नहीं दे रहा हो तो उसे समाप्त करना ही उचित होता है। याद रखें कि रिश्ते में दोनों तरफ से प्यार होना चाहिए। दोस्तों, आपको अपने लवर से तारीफ मिल सकती है या फिर कुछ ऐसा जिसकी चाह आपको लंबे समय से थी। दोस्तों, आपकी कोशिशों में आपके प्रियजन भी सहयोग करेंगे। आपको अपने प्रियतम से एक किस या फिर टाइट हग भी आपका पुरस्कार हो सकता है। वैवाहिक कार्य प्रणाली में भी दोस्तों, नवीनीकरण अथवा बदलाव संबंधी निर्णय लेने से कामयाबी मिलेगी। व्यवसाय और नौकरी संबंधी में कोई महत्वपूर्ण फैसला भी खुद ही लें। किसी पर भरोसा ना रखें दोस्तों, लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। सीनियर्स के साथ में संबंध बनाए रखें। पारिवारिक सदस्यों के बीच में आपसी तालमेल व दोस्तों इसका अभाव की वजह से कुछ तनाव की स्थितियां रह सकती हैं। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी। बात करें आपके स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ के बारे में, पेट से संबंधी समस्याएं रह सकती हैं। गैस और वादी वाली चीजों का सेवन ना करें। दोस्तों, कामों को काफी ध्यान से करने की आवश्यकता है। जिस व्यक्ति के सामने आप अपने विचार और भावनाओं को प्रकट करना चाहते हैं, वह खुद आपसे दोस्तों मानसिक रूप से आपको काफी तैयार बना रहा है। खुद की जिम्मेदारियों पर जागरूकता बढ़ने वाली है। अन्य दोस्तों किसी भी बात की आप लोगों को आज चिंता नहीं रहेगी। इसके साथ ही आपको बताएं, आपको दोस्तों का प्यार पाने के लिए थोड़ा सा नर्म बनना पड़ेगा। आप ये नहीं जानते हैं लेकिन आपको घमंडी समझा जाता है, इसीलिए ये सबसे अच्छा समय है कि आप दूसरों की आलोचना करने के स्थान पर अपने भूतकाल की गतिविधियों पर विश्लेषण करें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपके लव लाइफ की। आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ में बिताने के लिए समय बेहतरीन है क्योंकि आपका पार्टनर आप पर प्यार बरसाएगा। उनका सारा ध्यान आप पर ही रहेगा। उनकी सारी बातों को उसी तरह समझें जिस तरह का उद्देश्य लेकर वह कहीं गए हुए हैं। और दोस्तों, आलोचना किए बिना उसका मजा उठाइए। जब आपके पार्टनर का मूड रोमांटिक हो तो दोस्तों व्यक्ति की जिद करने या फिर बीती दर्द भरी बातें याद करने से बचना चाहिए। आपको भी उनसे इतने ही अंतरता से पेश आना चाहिए। बात कर लेते हैं दोस्तों आपके आज के व्यापार और करियर के बारे में। तो दोस्तों, याद रखें कि अवसरों के लिए बहुत ही खुले दिल से स्वागत करिए। ये धन कमाने का एक बेहतरीन अवसर है। वस्तुतः जो लोग अध्ययन कर रहे हैं उनको आप प्रत्याशी स्रोतों से अद्भुत अवसर प्राप्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का आपका राशिफल। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप सभी को मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।